अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे विच वॉज हेट्रोजाइगस फॉर वाइट, कैपिटल W स्मॉल w, होमोजाइगस फॉर डिस्क, कैपिटल D, it is crossed with small w, small d and small d. इसके हम गैमेट्स बना लेंगे। पहले हम इसकी फिनोटाइप लिख लेते हैं कि फर्स्ट पेरेंट है वाइट डिस्क और दूसरा पेरेंट है हमारे पास येलो सफेयर। अब हम इसके गैमेट्स बनाते हैं। यहाँ पे कैपिटल W कैपिटल D वन गैमेट और स्मॉल w कैपिटल D द अदर गैमेट। और इधर से देख लेते हैं, जस्ट वन टाइप का गैमेट आएगा क्योंकि दोनों होमोजाइगस हैं, स्मॉल w स्मॉल d। तो इसको आप पुनेट स्क्वायर से ना करें क्योंकि ये इजी है, आप देखकर आराम से यहाँ पे इसके क्रॉस बना सकते हैं। तो F1 जो आपके पास आएगी वो होगी कैपिटल W स्मॉल w, इसका इससे क्रॉस है, कैपिटल D स्मॉल d। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया और दूसरा इंडिविजुअल होगा स्मॉल w कैपिटल D स्मॉल d। तो इसकी फिनोटाइप आपके पास होगी वाइट डिस्क और दूसरे की होगी येलो डिस्क। तो यहाँ पे इसकी फिनोटाइपिक रेशो बनेगी 1:1, एक है वाइट डिस्क और दूसरा है येलो डिस्क। और जीनोटाइपिक रेशो जो है वो भी आपके पास होगी 1:1 क्योंकि एक इसके अंदर हेट्रोजाइगस है और दूसरा हेट्रोजाइगस है पहले वाले के अंदर, और दूसरा जो है आपके पास होमोजाइगस है और दूसरा हेट्रोजाइगस है। तो दो टाइप के आपके पास जीनोटाइप्स बन रही हैं, 1:1 की रेशो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इसका कैपिटल W कैपिटल D क्रॉस है स्मॉल w स्मॉल d। इसके हम गैमेट्स बना लेंगे। पहले फिनोटाइप लिख लेते हैं वाइट डिस्क और ये है येलो सफेयर। तो गैमेट्स बनाते हैं इसके कैपिटल W कैपिटल D। अब ये हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पर आपके पास 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल D और स्मॉल w स्मॉल d। दूसरी साइड पे जो आपके पास जस्ट वन टाइप का गैमेट बनेगा क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव हैं दोनों, स्मॉल w स्मॉल d। तो जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे F1 में वो होंगे कैपिटल W कैपिटल D स्मॉल d। फिर ये इसके साथ था, फिर अब इसको इसके साथ बनाएंगे कैपिटल W स्मॉल d। फिर थर्ड वन को इसके साथ मिलाएंगे स्मॉल w कैपिटल D स्मॉल d। और फोर्थ वन को स्मॉल w स्मॉल d। तो आपके पास टोटल 4 इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। 4 × 1 4 हो गए, 4 गैमेट्स इसके थे और 1 गैमेट इसका था। तो 4 × 1 4 इंडिविजुअल्स आपके पास प्रोड्यूस हो गए। फर्स्ट जो इंडिविजुअल है इसकी फिनोटाइप होगी वाइट डिस्क, सेकेंड इंडिविजुअल की होगी वाइट सफेयर, थर्ड इंडिविजुअल की होगी येलो डिस्क और लास्ट की होगी येलो सफेयर। तो आप कह सकते हैं इसकी फिनोटाइपिक रेशो है 1:1:1:1। सारे इंडिविजुअल 1 टाइप के प्रोड्यूस हुए। जीनोटाइपिक रेशो की बात कर लेते हैं तो आपके पास एक हेट्रोजाइगस और दूसरा भी हेट्रोजाइगस, इस तरह का जस्ट वन आपके पास इंडिविजुअल है। दूसरे में हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस है तो ये भी वन इंडिविजुअल है। तीसरे के अंदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस है तो वन इंडिविजुअल है। और लास्ट वन जो है बोथ होमोजाइगस हैं तो ये भी वन इंडिविजुअल है। तो यहाँ से आप इसकी जीनोटाइप रेशो जो है वो जीनोटिपिक रेशो वो भी देख सकते हैं, 1:1:1 है। और होमोजाइगस जो फिनोटिपिक रेशो है वो भी 1:1:1 है। तो यहाँ से एक और भी आपको आइडिया मिलेगा इस क्वेश्चन से कि अगर आपके पास एक ऐसा पेरेंट है जो होमोजाइगस रिसेसिव है फॉर बोथ ट्रेड्स, तो इसके साथ जब इंडिविजुअल कोई भी क्रॉस करेगा तो वो हमेशा 1:1 की रेशो देगा, 1:1:1 की रेशो। तो इस तरह के क्रॉस को आप टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको नॉन फिनोटाइप होती है और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है जीनोटाइप्स के अंदर। तो इस तरह के इंडिविजुअल से जब क्रॉस होगा तो हर टाइप के इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे जो उसके गैमीट्स में मौजूद हैं। तो रेशो हमेशा 1:1:1 की रेशो आएगी। इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, which is capital W small w capital D small d का क्रॉस है capital W small w capital D के साथ। इसके हम यहाँ पे पहले फिनोटाइप लिख लेते हैं, वाइट डिस्क, दूसरी साइड पे भी वाइट डिस्क है। गैमेट्स बना लेते हैं, इसके 4 गैमेट्स बनेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। कैपिटल W कैपिटल D 1 गैमेट, कैपिटल W स्मॉल d 2nd गैमेट, स्मॉल W कैपिटल D 3rd और स्मॉल W स्मॉल d 4th गैमेट। तो दूसरी साइड से हमारे पास 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल W कैपिटल D और स्मॉल W कैपिटल D। जब हम इसका F1 बनाएंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल D कैपिटल D। दूसरा इंडिविजुअल आएगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल D कैपिटल D। फिर दूसरी साइड पे हम देखते हैं दूसरे गैमीट के बारे में, ये इसके साथ मिलेगा कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल D स्मॉल d। इसको जब इसके साथ मिलाएंगे कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल D एंड स्मॉल d। फिर थर्ड गैमेट को देख लेते हैं, ये इसके साथ मिलेगा तो आएगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल D कैपिटल D। जब ये इसके साथ मिलेगा तो आएगा स्मॉल w स्मॉल w कैपिटल D कैपिटल D। और जो हमारे पास लास्ट गैमेट बचेगा इस साइड का, ये दोनों से मिलेगा तो आएगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल D और स्मॉल d। और जो इस जब ये आखिरी गैमेट से मिलेगा तो स्मॉल w कैपिटल D स्मॉल d। तो इनकी फिनोटाइप लिख लेते हैं, वाइट डिस्क, वाइट डिस्क वाइट डिस्क वाइट डिस्क येलो डिस्क। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 8 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 4 × 2 की वजह से, जिसके अंदर से आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंडिविजुअल्स जो हैं आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं वाइट डिस्क, और 2 इंडिविजुअल जो हैं आपके पास वो प्रोड्यूस हो रहे हैं येलो डिस्क। एक इंडिविजुअल ये हो गया और दूसरा इंडिविजुअल ये हो गया। तो येलो डिस्क आपके पास आ रहे हैं टोटल कितने, 2। तो हम इसकी फिनोटिपिक रेशो लिख लेते हैं, हमारे पास रेशो आ रही है 6 वाइट डिस्क हैं और 2 जो हैं वो येलो डिस्क हैं। हम इस रेशो को मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या है, 3:1 की रेशो। तो हमारी इसमें फिनोटिपिक रेशो जो है वो 3:1 की है। इसी तरह से हम इसकी जीनोटिपिक रेशो भी निकाल सकते हैं कि कितने होमोजाइगस डोमिनेंट हैं और कितने एक जैसे दिखने वाले हैं जिनकी जीनोटाइप सेम है, उनको हम काउंट करके लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमारे पास इसकी फिनोटिपिक रेशो 3:1 की रेशो आ रही है। इसका हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर बोथ ट्रेड्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं दोनों पेरेंट्स के अंदर। तो हमारे पास 4 गैमेट्स एक पेरेंट से बनेंगे और 4 गैमेट्स दूसरे पेरेंट से बनेंगे। फिनोटाइप दोनों पेरेंट्स की जो है वो वाइट डिस्क है। गैमेट्स बना लेते हैं, 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे इसके अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाएंगे जो इजी मेथड है। हम 4 गैमेट्स ऊपर लिखेंगे और 4 गैमेट्स नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। इसके हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल D कैपिटल W कैपिटल D स्मॉल d। इसको इससे मिलाएंगे तो कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल D कैपिटल D कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल D स्मॉल d। दूसरे के अंदर हम देख लेते हैं कैपिटल W कैपिटल D स्मॉल d कैपिटल W स्मॉल d कैपिटल W कैपिटल D स्मॉल d कैपिटल W स्मॉल d कैपिटल D कैपिटल W कैपिटल D स्मॉल w कैपिटल D। इधर देख लेते हैं स्मॉल w कैपिटल D स्मॉल d। लास्ट के अंदर देखते हैं कैपिटल W कैपिटल D कैपिटल W स्मॉल d स्मॉल w कैपिटल D स्मॉल d। और लास्ट वन होगा होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेड्स स्मॉल w स्मॉल d स्मॉल d। तो इनकी फिनोटाइप्स लिख लेते हैं। ये है वाइट डिस्क ये भी है वाइट डिस्क, थर्ड वन भी है वाइट डिस्क, फोर्थ वन भी वाइट डिस्क। नेक्स्ट देखते हैं वाइट डिस्क, वाइट स्फीयर, वाइट डिस्क, वाइट स्फीयर वाइट डिस्क येलो डिस्क वाइट स्फीयर येलो डिस्क। इसके बाद हमारे पास येलो स्फीयर। जब हम इसकी फिनोटिपिक रेशो निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी 9331। ये कंप्लीट डोमिनेंस का डायहाइब्रिड के जो न्यूमेरिकल है, ये आइडियल फिनोटिपिक रेशो होती है जब हम बात करते हैं मेंडेलियन रेशोज़ की। तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके पास भी सेम इस तरह की रेशोज़ आई थी। 9331 इसकी फिनोटिपिक रेशो है। तो जो जीनोटिपिक रेशो इसकी आती है वो होती है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। या आप इसमें से काउंट करके भी लिख सकते हैं। वैसे जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है फॉर बोथ पेरेंट्स तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशो आती है 9331 और जीनोटिपिक रेशो होती है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। या आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। इसके अंदर देखेंगे आप 9 इंडिविजुअल जो होंगे वो होंगे वाइट डिस्क, 3 इंडिविजुअल होंगे आपके पास वाइट स्फीयर के, 3 इंडिविजुअल होंगे येलो डिस्क के और 1 इंडिविजुअल होगा आपके पास येलो स्फीयर का। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। वाइट डिस्क आपके पास कितने इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए? 9। वाइट स्फीयर 3, फिर येलो डिस्क 1 इंडिविजुअल 3 इंडिविजुअल हैं और येलो स्फीयर वो 1 इंडिविजुअल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जीनोटिपिक रेशो थी वो किस तरह से निकली। वाइट डिस्क दोनों के लिए आपके पास होमोजाइगस कंडीशन है तो ये इस तरह का जस्ट 1 इंडिविजुअल है। इस तरह से आपके पास जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव दोनों पेरेंट्स के अंदर जो है ये भी जस्ट 1 इंडिविजुअल है जो ये लास्ट पे लिखा है। तो फर्स्ट इंडिविजुअल जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर बोथ, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। फिर होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव जो है आपके पास 2 इंडिविजुअल होंगे, एक ये इंडिविजुअल है और एक ये इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे आपने 2 लिख लिया इस तरह। फिर उसके बाद आप देखेंगे हेट्रोजाइगस होगा फॉर फर्स्ट ट्रेड और होमोजाइगस होगा फॉर सेकंड ट्रेड, तो वो 2 आ जाएंगे। फिर इस तरह से 4 आपके पास आएंगे 1 2 1 2 1 की ये रेशो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। तो जीनोटिपिक रेशो होगी 1 2 2 4 1 2 1 2 1 और फिनोटिपिक रेशो होगी 9331 की। तो यहाँ पे जो है ये इसके 6 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं इस क्वेश्चन के।